अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं आप लोगों के लिए वाइट बटर चिकन रेसिपी लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिकन अच्छे से हम धो लेंगे और पूरा पानी निकाल लेंगे। उसके बाद सबसे पहले नमक डालेंगे एक चम्मच, फिर काली मिर्ची एक चम्मच और एक कप भर के दही डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट के लिए रखना है 10 मिनट के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैरिनेट होकर 10 मिनट के साइड में रख देंगे इसको। अब हमने कुछ मसाले लिए हैं, अक्खा धनिया, ज़ीरा, छोटी इलायची, 2-4 लौंग, 2-4 काली मिर्ची, 1 बड़ी इलायची, 2 लाल मिर्ची, दालचीनी और जावित्री का फूल। तो गाइस, ये लाल मिर्ची इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि है ना, ग्रेवी तो वाइट ही रहेगी पर इसका जो कलर आता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो इसको हल्का सा भून लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे पैन गर्म हो चुका है, उसमें सारे मसाले डाल देंगे और उसको हल्का सा सॉटे कर लेंगे हम। एकदम अच्छी सी खुशबू आने लगेगी ना, तब हम इसको निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं मसाला हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हमें इसे दरदरा पीस लेना है, एक अच्छा सा दरदरा सा पाउडर बना लेना है। इस तरीके से हमें पाउडर बना लेना है दरदरा सा। यहाँ पे ग्रेवी के लिए कुछ मसाले लिए हैं, 8 से 10 काजू, अदरक का एक टुकड़ा और एक अक्खा लहसुन छिल लिया है मैंने, 2 हरी मिर्ची और 2 मीडियम साइज़ के प्याज। तो वही पैन में हम डालेंगे तेल 2 चम्मच। अब तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। पैन तो ऑलरेडी गर्म ही था, तो तेल भी गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले ऐड करेंगे प्याज। तो फ्रेंड्स, हमें 1-2 सेकंड के लिए इसे अच्छे से भुनना है, मतलब फ्राई करना है, इसका कलर चेंज हो सकता। तो देखिए, प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब सारे मसाले हम डाल देंगे इसके अंदर और 1 मिनट के लिए इसको लगातार भुनेंगे हम। तो इससे क्या होता है ना फ्रेंड, जो कच्चा पन है ना मसाले का, निकल जाता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए, 1 मिनट के लिए इसको भून लिया है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। तो देखिए, हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा, आधे कप जितना, बस इतना ही। और ये पानी डालने के बाद है ना, हमें इसको ढक्कन ढक के मीडियम आँच पे 5-6 मिनट तक का इसको अच्छे से पकने देंगे। इससे क्या होगा ना, जो मसाला है सॉफ्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ ढक्कन हटा लेते हैं, बहुत गर्म है ढक्कन, इसको पकड़ से पकड़ लेते हैं। तो देखिए, पानी भी थोड़ा सूख गया है और मसाले अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड में। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा पैन रख दिया है, अब वो अच्छे से गर्म हो जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर तेल ऐड करेंगे। तो देखिए, पैन गर्म हो चुका है, सबसे पहले हम डालेंगे तेल, 1 कप भर के तेल डालेंगे और उसके बाद डालेंगे, अब बटर चिकन है तो बटर तो जाएगा, 1 क्यूब बटर डालेंगे हम। अब इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। तो फ्रेंड्स, ये भी गर्म हो चुका है, जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था, सारा चिकन इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए, अब इसमें जो मैरिनेट करके हमने रखा था वो जो मसाला है, उसको थोड़ा सा पानी डाल के संगाल के डालेंगे क्योंकि इसमें बहुत दही लगा हुआ था। अब इसको 5 से ही हम 10 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी मैंने इसके अंदर चिकन ऐड की थी अभी, तो गैस का फ्लेम है ना एकदम लो था, क्योंकि ना इसमें दही है, तो अगर हम फास्ट पे डालेंगे ना दही फट जाएगा। तो स्लो करके ही आप डालिएगा, फिर उसके बाद फास्ट कर दीजिएगा। तो देखिए, दही ने कितना ज़्यादा पानी छोड़ा है। अब इसको हम सुखाएंगे, अच्छे से भुनेंगे। देख सकते हैं, मसाला भी ठंडा हो चुका है। अब इसको मिक्सर में घुमा के एक बारीक पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वही मिक्सर में हमने डाल के इसको एक पेस्ट बना लिया है अच्छा सा। और इस तरफ मेरे चिकन भी हो गए हैं माशाल्लाह से, देखिए भुनने आया है अच्छा। तो फ्रेंड्स, इसको 5 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे, अच्छे से होने देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, तेल अलग होना शुरू हो गया है, मतलब मसाला भुन गया है। अब इसके अंदर हम वो पेस्ट डाल देंगे जो अभी पीस के लाए हैं।
अब इसको भी खूब अच्छे से भूनना है हमें। सारा मसाला ऐड कर देंगे और उसको भी थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से खंगाल के डालेंगे, क्योंकि उसमें भी बहुत मसाला लगा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, सब चीज़ें हमने ऐड कर दिया है इसमें। मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने मिर्ची कम डाला इसमें। अब इसको भी हम अच्छे से भुनेंगे। तो फ्रेंड्स, जितना हम मसाला भुनेंगे ना, उतना ही टेस्ट आता है, बहुत अच्छा। अब इसको पकने दीजिए, 10 से 15 मिनट के लिए ढक्कन ढक के छोड़ देंगे हम इसको, बस बीच बीच में देखते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं एक बार सालन के तरफ क्या गरम है। तो देखिए माशाल्लाह, चिकन भी गल चुका है और अच्छा पक भी गया है। अब इसके अंदर कुछ और मसाले ऐड करना है हमें, तो जो ये पाउडर बना के रखा था मैंने, ये पूरा ऐड कर देंगे। इसको भुनेंगे इसी खुला रख के। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसमें तेल सेपरेट होना शुरू हो गया, मतलब मसाला अच्छे से भुन गया, तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम डाल देंगे क्रीम, फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास मलाई है तो उसको भी मिक्सर में घुमा के डाल सकते हैं, और नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हो आप, ज़रूरी नहीं है। और फिर इसमें हम डाल देंगे कस्तूरी मेथी, उसको तवे पे हल्का सा भून के हाथ से ऐसा क्रश कर लेना और फिर ऐसा डाल देना। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, सालन बनके तैयार है। अब हमें इसे 10 मिनट के लिए और रखना है फ्रेंड्स, पकने के लिए, तक के सारे मसाले एक दूसरे के अंदर आ जाए और चिकन के अंदर अच्छे से फ्लेवर आ जाए, टेस्ट आ जाए। अब ढक्कन ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए अच्छे से हो चुका है। अब इसे हम गैस बंद कर देंगे और फिर हम 5 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं इसका रिज़ल्ट। और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे 5 मिनट के बाद। इसको ढक्कन ढक के भी रखते हैं, फिर खोल के आपको दिखाती हूँ रिज़ल्ट। तो फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा सेट हो गया और इतनी अच्छी ग्रेवी बनी है। तो फ्रेंड, कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी ग्रेवी बनी है और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।